नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में चाईबासा के सदर अस्पताल में भी कोरोना काल में फ्रंट लाइन में आकर काम करने वाले जिला प्रशासन और पुलिस प्रबंधन को वैक्सीन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि चाईबासा में सबसे पहले वैक्सीन जिला उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा को दिया गया। इस दौरान मौके पर कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। आज फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी को भी अभी कोविड का वैक्सीन मिलना शुरू हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा और जिला के पुलिस अधीक्षक उनके द्वारा भी वैक्सीन अभी लिया गया है। इसी तरह सभी जिला के वरीय पदाधिकारी PDI TTA ADC और पुलिस विभाग के सभी SDPO DSP सभी ले रहे हैं। आज से कोविड 19 टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुरू हो गया है। DC साहब ने भी टीका ले लिया है, मैं भी टीका ले लिया हूँ। मैं ये कहूँगा कि कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।